अपनी लगन और मेहनत की बदौलत रोशन खातून ने न केवल राज्य और जिले का नाम रोशन किया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है। रोशन खातून ने 5 लाख रुपए का राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार जीतकर गौरव प्राप्त किया है। मुजफ्फरपुर के मरौल प्रखंड की रोशन खातून को लहठी की चूड़ी बनाने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार मिला है। रोशन खातून ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री सुरेश प्रभु ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। 23 साल की रोशन खातून ने दिव्यांगता को मात देकर लहठी को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाया है। वो थोक और खुदरा विक्रेताओं से लहठी चूड़ी की आपूर्ति करती हैं। रोशन खातून को ये पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी में प्रदान किया गया है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 5 लाख रुपए भी मिले हैं। रोशन खातून का कहना है कि रोशन ने पति नूर मोहम्मद से सुहाग चूड़ा बनाने की कला सीखी है। पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं और पिछले 4 सालों से ये काम कर रहे हैं। पुरस्कार मिला है वो जो आगे हम बढ़ाएंगे और कुछ घर भी बनाएंगे। घर भी नहीं है रहने के लिए और जो है ताग मुँह बढ़ाकर और घर परिवार भी मैं चलाऊंगी। जीविका बैंगल बट उनेट है। अच्छा, वही मुजफ्फरपुर मैं माल देते हूँ। वहाँ से वहाँ जितना माल है सब यहाँ लाते हैं। जो चूड़ी बनाते हैं तो यहाँ आते हैं रामपुर बकरी में, तो वहाँ से लाकर मैं घर पर लाकर बनाते हूँ। हम रामपुर बकरी में काम कर रहे थे, सीख रहे थे, उस बार सीख के आए। उसके बाद अपना दोनों आदमी पति पत्नी काम किए। उसके बाद सरकार का योजना आया, उसके बाद हम काम और आगे बढ़ाए। अब दोनों आदमी विकलांग होने दोनों आदमी हम विकलांग हैं, उसके लिए उसके बावजूद भी हम हिम्मत हम नहीं आ रहे सोचे आगे काम के हम अपना बिजनेस किए बढ़ाए। पुरस्कार मिला है तो कितना खुशी हुई है आप लोगों को? पुरस्कार मिला है तो बहुत खुशी हुआ है, मेरा बहुत हद से ज़्यादा खुशी हुआ है। किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया? प्रधानमंत्री के योजना पुरस्कार मिला है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहते हैं? पुरस्कार अच्छा है, खूब अच्छा पुरस्कार देंगे हम। उद्यमिता के क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए मंत्रालय की ओर से ये सम्मान प्रदान किया जाता है। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रियोरशिप के तहत प्रशिक्षण लेकर और सरकारी मदद से उन्होंने इस काम को शुरू किया और डिजाइनर लहठी की चूड़ियां बनाने लगी। आज रोशन खातून द्वारा बनाई गई लहठी की विदेशों में काफी मांग है। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।